हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एवं ग्रुप डी वैकेंसी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। आप इस बुक का कवर पेज सामने देख रहे हैं। इस बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस का आपको मटेरियल मिलने वाला है, पूरा कंप्लीट गाइड बुक होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पूरा आपको मटेरियल मिलेगा। इसमें आपको हिंदी, सामान्य सचेतता, अंग्रेजी, गणित सब कुछ मिलेगा। 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्यात्मक हल प्रश्न सहित मिलेगा। इसके साथ 25 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, 2 शॉर्ट पेपर दिया गया है जो प्रीवियस पेपर में हुआ है, और नवीनतम शॉर्ट पेपर यहाँ पर लगाया गया है। 100% गारंटी के साथ यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर सारा मटेरियल मिलेगा। इस बुक को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर आप इजिली अपने नियरेस्ट मार्केट में बुक स्टॉल से भी इसको परचेज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, इस खबर के लिए काफ़ी लंबे समय से आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्कॉलरशिप की डेट बढ़ने को लेकर दोस्तों। और आप लोग कहीं ना कहीं हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, और उम्मीद भी बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दी थी। बहुत सारे बच्चे ये भी कहने लगे थे कि सर शायद अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले डेट खत्म होती थी, जो पहले रहती थी उसके 2-4 दिन के अंदर ही डेट बढ़ाई दी जाती थी। अभी क्या हुआ, 7 नवंबर को बंद हुआ था डेट, और अभी कितने दिन हो गए, आज हो गए 28 तारीख, मतलब 20 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं मिली स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर स्कॉलरशिप की जो डेट है वो बढ़ा दी गई। ठीक है, पूरी खबर आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन वापस अप्लाई कर सकता है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, सब कुछ बताना। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर ये आपके लिए खुशखबरी हो, ठीक है, अगर आप भी वाकई इंतजार करते स्कॉलरशिप की डेट बढ़ने की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, शुल्क भरपाई के लिए अब 10 तक आवेदन। शासन ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पूर्व में अंतिम तिथि 7 नवंबर थी। दरअसल इस बार विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देरी से शुरू होने से विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों के बड़ी संख्या में छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ बीएड वाले जो डायरेक्ट एडमिशन लिए, जो काउंसलिंग से एडमिशन लिए, उनका भी नहीं हो पाया था स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो वो लोग भी अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन छात्रों की समस्या को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। छात्रों ने भी तिथि बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। इसे देखते हुए शासन ने अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरि ओम ने बताया कि दसमोत्तर कक्षा 10 से ऊपर के लिए अंतिम तिथि को 10 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय हो चुका है। पूर्व दसमोत्तर कक्षा 9 से में विद्यार्थियों में के डाटा को 30 नवंबर तक लॉक करने की सुविधा दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल ये चीज़ बताया बट दसमोत्तर की भी डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब आप लोग फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बीएड वगैरह वाले भी यहाँ पर, डीएड वगैरह वाले भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये खबर सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताएगा, कोई भी बात हो स्कॉलरशिप को लेकर, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।